रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी भिंडी। टेस्टी और मज़े की भिंडी बनती है। भिंडी सीज़न में है, बड़ी अच्छी भिंडी आई है। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो हमने सोचा आज भिंडी बनाई जाए। तो आज मैं भिंडी बना रही हूँ। ऑयल और मैंने रख दिया जी ऊपर गर्म होने के लिए। तो अब इसमें हम डाल दें जी भिंडी। भिंडियों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। भिंडियों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया जाता, क्योंकि भिंडी टूट जाती है, इसके बीज बाहर आ जाते हैं और ये फिर अच्छी नहीं बनती। हम इसमें चम्मच बहुत कम चलाएंगे। आज मैं भिंडी बना रही हूँ जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, मेरी नानी बनाती थी। अल्लाह मियाँ जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को, मेरी नानी को। तो जैसे वो भिंडी बनाती थी, मैं वैसे भिंडी बना रही हूँ आज, क्योंकि हमारे घर में ऐसी ही भिंडी खाई जाती है। तो मैं उनके तरीके से, उनसे जो मैंने सीखा है, उस तरीके से मैं आज भिंडी बना रही हूँ। तो भिंडियों को करेंगे हम फिलहाल फ्राई। ये देखिए जी, भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। चम्मच हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अब भिंडियों को हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी भिंडी, अब इनको हम निकाल लेंगे। कलर भी देख लें इनका, कलर बिल्कुल ठीक है। सिर्फ एक डेढ़ मिनट हमने इनको फ्राई किया। चम्मच बिल्कुल मीठा हमने चलाया, क्योंकि भिंडी फिर टूटती भी नहीं है। चम्मच चलाएं तो भिंडी टूट जाती है, अगर ना चलाएं तो फिर टूटती नहीं है। अब भिंडियों को हम निकाल लें। भिंडियों को हमने निकाल लिया, तो अब थोड़ा सा ऑयल भी हमने कम किया, तो उसमें हमने डाल देंगे प्याज। और साथ हमने लिया है ये खुश्क धनिया, एक चम्मच लिया मैंने। एक चम्मच मैंने लिया ये अनारदाना, इसको मैं कूट लूँगी अच्छी तरह से। इसको मैंने साफ कर लिया था, अच्छी तरह धो के रखा है अनारदाने को मैंने। तो इसको हम कूट लेंगे। साथ में हमारा प्याज थोड़ा भी ड्राई। अब जो ये जो अनारदाना सूखा धनिया, इसको लूंगी जी मैं कूट। इसको अच्छी तरह से हम कूट लेंगे, क्योंकि अनारदाना और नींबू इसमें डालेंगे हम। कुछ लोगों को भिंडियों से ना पेट में दर्द होती है, गैस हो जाती है, तो अनारदाना आप डालेंगे, नींबू डालेंगे, तो इससे ना पेट में गैस होगी, ना पेट में दर्द होगी, और आपका खाना भी हजम हो जाएगा। और भिंडियों से काफ़ी लोगों को गैस होती है, तो ये जो नींबू और अनारदाना, इससे आपके पेट में ना गैस होगी, ना पेट में दर्द होगी, और खाना आपका हजम हो जाएगा। और साथ हमारे प्याज हो रहे हैं जी, हल्के से पिंक कलर के करेंगे।
अनारदाने से और सूखे दाने से टेस्ट भी बहुत बढ़िया का टेस्ट बहुत मज़े का आता है, बहुत मज़े का लगता है। तो ये हैं जो हमारे प्याज हो चुके हैं हल्के पिंक कलर के। अब इसमें हम डाल देंगे ये 5 अदद मैंने साबुत हरी मिर्चें ली है, इनको मैंने लगा दिया कट, और ये 2 टमाटर के छोटे छोटे इनको हमने लगाया। बहुत से लोग भिंडियों में लहसुन अदरक का डालते हैं लेकिन हम लोग नहीं डालते। तो जी मैं इनको कूट लूँ तो फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखें जी हमारे टमाटर काफ़ी नरम हो चुके हैं। तो ये जो हमने बनाया मसाला अनारदाना और खुश्क धनिया, ये जो मैंने कूट लिया था, इसमें थोड़ा 1-2 कतरा पानी का मैंने डाल के अच्छी तरह इसको कूट लिया। अब इसको कर लेंगे हम इसके साथ मिक्स। आप ऐसे बना के भिंडी खाएं, बड़ी टेस्टी और मज़े की, कभी आपको गैस बिल्कुल नहीं होगी और खाना भी हजम होगा माश इंशाअल्लाह। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी डालेंगे, पानी से डालेंगे, मसाले को इसी तरह भून लेंगे। मिर्ची हमने साबुत इसलिए डाली है कि जिसकी मर्जी वो खाए, जिसकी मर्जी ना खाए। काट लेके डालने से कुछ लोगों को लाल हरी मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद होती। ये देखिए जी हमारा मसाला अच्छी तरह बन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो भिंडी जो हमने फ्राई की है, ज़्यादा नहीं हम इसको करेंगे। अब ये 2 नींबू मैं इसके अंदर डाल दूँगी, नींबू का रस, नींबू का रस डालने से आपका खाना हजम हो जाएगा जल्दी से और पेट भी सही रहेगा। अभी 1 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे, हल्की आंच पे दम देंगे तो फिर हमारी भिंडी तैयार। ये देखिए जी 1 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा कर दिया हमने बंद, और देखिए जी हमारी माशाल्लाह भिंडी मज़े की बन के तैयार हो चुकी है। आपने भी इसी तरह ट्राई कर ली है।
बड़ी मज़े की बनती है चटपटी। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे, आप खा के देखिए, आप कहेंगे वाह क्या बात है। तो एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करनी है जैसे हमने बनाई है। तो अभी हम निकालेंगे इसको प्लेट में, तो फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखें जी, हमारी भिंडी माशाल्लाह बनके तैयार हो चुकी है। इसकी लुक चेक कर ले आप, टेस्टी और मज़े की। इस तरह बनाएंगे तो आप कहेंगे बार बार ऐसी भिंडी हम खाएं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये बनती बहुत मज़े की हैं, आपके पेट के लिए ज़बरदस्त, आपको भूख भी जल्दी लगेगी। ऐसी भिंडी खाने से आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसे नींबू है, अनारदाना है, जो खाना हज़म करता है, और नींबू में विटामिन सी होती है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हमारी रेसिपी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।